शिवपुर शहर के जिला अस्पताल में जहां एक प्रभारी मैडम का जन्म प्रमाण पत्र के एवज में हितग्राही से रिश्वत लेते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में स्वास्थ्य कर्मी हितग्राही संतान सिंह कुशवाहा से पैसे लेते हुए दिखाई दे रही, जिसकी शिकायत हितग्राही संतान सिंह कुशवाहा निवासी अमरपुर ने आवेदन देकर वरिष्ठ अधिकारियों से की है। हालांकि वायरल वीडियो एक दिन पूर्व का ही बताया जा रहा है। इसी कड़ी में जब मीडिया ने वायरल वीडियो की हकीकत अस्पताल पहुंचकर जाननी चाही, तो अस्पताल में हितग्राही नवल सिंह से भी जन्म प्रमाण पत्र के एवज में 400 रुपए की रिश्वतखोरी का मामला सामने आ गया। वायरल हुए वीडियो के संबंध में जब मीडिया ने सिविल सर्जन वचन लाल यादव से सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि 2 दिन के भीतर एक टीम गठित कर जांच कर वैधानिक कार्यवाही करूंगा। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। कहाँ रहते हैं नवल जी? जिला अस्पताल आए थे, क्यों आए थे? जन्म प्रमाण पत्र बन गया। अच्छा, पैसे वगैरह लिए थे क्या मैडम ने? कितने लिए थे? 400। किस बात के? बनवाने के। तो कितने दिन की बोला था बनवाने की? 25 दिन। अच्छा, और फिर पैसे दिए तो कितने दिन में बना दिया? एक दिन में। दो जन्म प्रमाण पत्र थे किसके? मेरी बच्ची का। बच्चियों के? एक बच्ची का। अच्छा, किस लिए लग रहे थे आपको? ये लग रहे हैं आधार कार्ड बनाने में। अच्छा, जन्म कहाँ हुआ था बच्चियों का? जन्म हुआ था जिला अस्पताल में। डिजिटल करवा रहे थे? बच्चियों का नाम क्या है? मिया और विकास यादव। कुशवाहा। अच्छा, 400 रुपये में एक दिन में बना दिया। बस आज आवेदन आया है जिसमें फरियादी ने जिक्र किया है कि जिला अस्पताल में एक कर्मचारी रिश्वत लेते हुए वीडियो भी उनने उपलब्ध कराया है। सर, क्या कुछ कहना है इस बारे में आपको? देखिए, सेवा की एवज में धनराशि लेना ये और देना दोनों अपराध हैं। वो तो निःशुल्क है, निःशुल्क ही रहेगी। अब इस किसी ने ये कारित कर दिया है और इसके सबूत मिलते हैं। अगर वो पुरुष है तो भी हम 2 लोगों की 2 सदस्यीय समिति बनाता हूँ, मैं 2 दिन के अंदर रिपोर्ट लेता हूँ। वो महिला होगी तो हम फिर 2 महिलाएं रखेंगे और 2 सदस्यीय समिति बना के उसमें हमारा एक पुरुष रहेगा, 3 सदस्यीय टोटल कर दूंगा और उसकी रिपोर्ट लेंगे 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर। और जो वैधानिक सेवा शर्तों में कार्रवाई है वो पूरी करेंगे हम लोग नियम से। इसमें कोई भी गुंजाइश कहीं भी किसी भी अपराधी को बचने की नहीं छोड़ूंगा। सर, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने में 25 दिन का समय किस उस पे लगता है सर, और रिश्वत में 1 दिन में दे दिया जा रहा है? ये तो सब आर्बिट्रेरी शब्द हैं, मनगढ़ंत। अगर किसी ने कहीं घटित हो रहा है और कर रहा है तो आगे वाली जो व्यक्ति सामने है अपना सेवा लेने वाला, वो समझ जाए कि हमारे पास अधिकार क्या है। इस आवाज़ को जरूर लाए। हम लोग भी विजिलेंस हैं, हम लोग भी इसको देख रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमारी आंखों के ओझल कई काम हो जाया करते हैं, बड़ा सिस्टम रहता है, तो हम लोग उसको हम 0 टॉलरेंस पर रखेंगे। मैं तो कम से कम उसको ऐसे करते हूँ को 0 टॉलरेंस पर रखूँगा कि आप सेवा के एवज में धनराशि नहीं उगा सकते। हमारा कटिबद्ध सरकार इसमें पूरी 0 टॉलरेंस पर काम कर रही है कि नहीं, हम किसी से भी ये बख्शेंगे नहीं किसी भी लेने वाले को। तो भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, तो हम पूरी कार्रवाई करेंगे, 100% करेंगे, आपको दिख जाएगी। अभी तक की कार्रवाइयाँ आपने देखी भी होंगी, मैं हमेशा कर रहा हूँ, हटवा रहे हैं हम लोग कई लोगों को। अगर ऐसा किया तो कितना ही बड़ा बना रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। धन्यवाद आपका। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।